ठीक है, तौसीफ खान, क्या किसी भी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े करने की किसी को हिम्मत है? अगर टीएमसी ही देख ले, क्या कोई ममता बनर्जी के खिलाफ बोलकर सर्वाइव कर सकता है? सवाल तो यही है कि हर पार्टी में लगभग ये मॉडल एक बन जाता है, लेकिन आज कई लोग आवाज उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको कांग्रेस में? देखिए, क्रिटिसिज्म आलोचना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका यह है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उससे जिससे के आज जिससे पार्टी को लीडरशिप को फायदा पहुंचे, इस तरह का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसी आलोचना नहीं होना चाहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचे। अगर आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाना नियत है तो आप जो है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, और अगर आपको फायदा पहुंचाना है तो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे और अपने लीडरशिप में अपने चार दीवारी के अंदर वो सारी बातें बोलेंगे। पब्लिक में आकर के डर्टी लिनन धोना ये काम नहीं करेंगे। नहीं तो कहां पे बोले वो, अगर सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कहां बोले जाकर? हाँ, देखिए, जो पार्टी उन्होंने का पिछली बार चिट्ठी लिखी थी ना, एक सेकंड सुपरवाइजर है जिसके जो इमीडिएट सीनियर नेता है उनको बोले, एक सेकंड इसको नहीं होता तो उनसे स्किप करके एक लेवल ऊपर और जाकर के बोले, लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए ही डिसिप्लिन के नाम पर, अनुशासन के नाम पर अपने पार्टी के अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने संगठन की मजबूती को बढ़ाना है, फायदा दिलाना है, तो उसको वो करना होगा। किसी भी संगठन में सवाल पूछना अनुशासनहीनता क्यों बन जाता है? मेहनत करना, आवाज नहीं जारी क्या? आज सुनवाई नहीं हो रही तो आप अपने लेवल पे मेहनत कीजिए, फायदा पहुंचे। मेरी आवाज आ रही है, हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये तो नॉर्मल सा एक फंडामेंटल बेसिक सा बात है कि मेहनत लोगों को करनी होगी। तौसीफ खान, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मेरा सवाल सुनिए, किसी भी संगठन में, किसी भी संगठन में सवाल पूछना अनुशासनहीनता क्यों बन जाता है? वो सवाल पूछ रहे हैं, पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी अपने प्रेसिडेंट को, चिट्ठी कहता है तो ये कहना गलत होगा। 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी, सवाल पूछने का भी तरीका सही होना चाहिए। क्या जैसे मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जिससे ऐसी आलोचना होनी चाहिए। आइडिया है ना सर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? चिट्ठी लिखी अपने अध्यक्ष को, कहा ये प्रॉब्लम है, इस पर काम होना चाहिए, वो देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कपिल सिब्बल आए सामने, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, इसमें मतलब डर्टी लिनन पब्लिक में धोने वाली बात तो एक तरफ है, लेकिन हमेशा इसको अनुशासन से अगर जोड़ दिया जाए तब तो कोई किसी पार्टी में कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सुनवाई नहीं हुई ना। जब 23 लोगों ने पिछली बार चिट्ठी लिखी, सीडब्ल्यूसी की आनन फानन में बैठक बुलाई गई, कैसे अलग थलग इन लोगों को किया गया, उनमें से कई लोगों ने दबाव में माफी मांग ली सार्वजनिक रूप से, कई लोग अपनी बात पर चुपचाप हो गए, तो फिर क्या मकसद सॉल्व हुआ उससे, मुझे बताइए आप। हाँ, तो इस पे मेरे ख्याल से देखिए, डिबेट एंड डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए। ये अब ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है किसी भी पार्टी का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें अब टॉप लीडरशिप को भी ये रास्ता बनाए रखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे कोई फीडबैक दे रहा है तो उस पे एक डिबेट डिस्कशन हो, एक सरे से उसको खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भूल चूक तो हो ही सकता है। हमेशा चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, चाहे वो पावर में हो या ना हो, हमेशा रूम फॉर एरर रहता है, हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है। तो ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है उस फीडबैक को लेकर के उस पे काम करे। आज अगर बीजेपी अपने आप को बोस्ट करती है कि देखो हम पार्टी को बदनाम करने के लिए नहीं, लेकिन फाइव स्टार कल्चर, ये भी कहना गलत होगा। आज हम जानते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का रिपोर्ट आया था 2018 तक में, जो पॉलिटिकल फंडिंग्स हुई थी, 95% पॉलिटिकल फंडिंग्स जो है नेशनल पार्टी को जाने वाली वो अकेले बीजेपी को गई थी। तो अगर उनके पास इतना फंडिंग है तो उन्हें तो सबसे ज्यादा काम करना होगा, उनके जो कार्यकर्ता है वो तो सबसे ज्यादा मेहनत दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में फंडिंग की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं बन जाता लगता है पूरा पेपर ममता दी से लिखवा के लाए, उन्हें भी मेहनत करना होगा, उन्हें थोड़ा धीरज रखना होगा, मेहनत। वो कह रहे हैं फंडिंग आपको ज्यादा आती है, मेहनत आप कीजिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, प्रभु चावला जी बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं और उन्होंने कहा फाइव स्टार कल्चर हर जगह पे है। मैं इस बात से उनकी सहमत नहीं हूं प्रभु जी। मैं एक बात कहता हूं, लीडरशिप प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन, जो दिशा है और जो दशा है वो नेता देता है, नेतृत्व देता है। आप भी ये मानेंगे, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये कोई वंशवाद की उपज नहीं है। पोस्टर चिपकाते थे, साधारण परिवार से आते हैं और मेहनत से
यहां पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। प्रभु जी, इसलिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी आज विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। और आप बताइए, 70 साल जो काम नहीं हो पाया अनुच्छेद 370, क्या हमें कम परेशानियां या विपक्ष को झेलना पड़ा? लेकिन जब आपका संकल्प मजबूत होता है तो आप करके दिखाते हैं। वन रैंक वन पेंशन 40 साल तक लागू नहीं हुई और हमने लागू करके दिखाया। CAA, ट्रिपल तलाक, हम जानते हैं किस तरह से एक समाज का पक्ष था जो विरोध करता था, लेकिन करके दिखाया।